अरे हाँ भाई, खान न्याजी। ओ भाई मेरे, अभी देखो ना, आपके पास ये मिन्नत समाज के लिए आए हैं, अपनी बेटी के घर, आपकी बेगम मरियम नवाज साहबा। देखो ये जरदारी भी अभी दांत निकाल रहा है, और मियाँ साहब की सिफारिश के लिए आया है कि अभी हमें कुछ जीने दें, हमारा पीछा छोड़ दें, अभी हमारे ऊपर जो तमाचे लग रहे हैं उससे हमें बचा लें। हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, अभी ये आपकी मिन्नत समाज के लिए आए हैं, अभी इनके बारे में क्या फैसला करना है, क्योंकि ये तो अभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देखो ना, अभी आपकी बेगम मरियम अब्बा के लिए चाय भी बना रही है, हम सब के लिए, ये हमारी मिन्नत समाज के लिए आए हैं, साथ है ना रबानी खार को भी लाए हैं। खान साहब को फैसला करना है तो इनकी मिन्नत समाज को देखो क्या बात करते हैं। आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। अरे खान साहब, देखो ना, ये मियाँ साहब को मैं लेकर आया हूँ, इसकी कुछ सिफारिश मान लें और इसकी बातें को सुन लें। देखो ना, इसके साथ तो हम भी जल रहे हैं, हम तो इनको आगे करके खुद पीछे हो जाते हैं। खान साहब, ये कभी साथ भड़काए हैं, देखो ना मियाँ साहब भी इन कैसे सूटे लगा रहा है, अभी परेशानी के आलम है, सूटी तो लगा रहा है लेकिन इसके अंदर यहाँ कर आपने नहीं देखा, ये दोनों भाई देखो कब से परेशान है, आप मुसल्लत हुए हैं एक वो क्या कहते हैं नाकाले नाग की तरह इनके ऊपर। हम सिफारिश के लिए आए हैं, इसके लिए कुछ रायत पैदा करें। ये देखो ना, इसकी बेटी आपके साथ ब्याही हुई है, वे देखो ये भी बड़ी परेशान है, कुछ इनके बारे में सोचें। मेरे प्यारे खान मियाँ, देखो ना मेरे अब्बा जान, अभी आपके की तरफ सिफारिश लेकर आए हैं, सही के साथ अंकल जरदारी को भी लेकर आए हैं, सिफारिशी आए हैं, सिफारिशी टोला आया है, तो देखो मैं चाय बना रही हूँ, अभी कुछ तो इनके लिए माफी वाला खाना निकाल देना। अभी आप इनके पीछे में हाथ धोकर पड़े हुए हैं, देखो ना अभी मेरे अब्बा के मुँह की ऊपर ना खून नहीं रहा है, देखो ना ये पीला इनका रंग हो गया है, देखो जब से आपसे पीछे पड़े हैं और कभी साथ पिए और सोटे भी लगाए और मेरे अब्बा जान की जान को खलासी कर देना, क्योंकि ये लंदन से वापस तो आ जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। इनका सिर्फ मकसद ये है अपना बाहर का पैसा कैसे बचाना है। अरे खान साहब, खान साहब, हमारे पास तो कुछ भी अभी नहीं रहा, फूटी कुड़ी मोहताज हो गई हैं। अभी भी तो आप कह रहे हैं कि पैसा बाहर का कैसे बचाना है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, अभी ये शलवार कमीज ही रह गई है, हम तो एक एक पाई के मोहताज हो चुके हैं। आपकी मैंने समाज के लिए आए हैं, आप मेहरबानी करके हमें माफ़ कर दें, हमारी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्या करें, मजबूरी है, आपको माफ़ कर दें। अभी हमने बाहर का कैसा पैसे बचाना है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं ना खान साहब, कुछ सोचें, कुछ गौर करें, आपकी मेहरबानी होगी, अभी हम तो धक्के खा रहे हैं, अभी हमारे लिए और तो कोई ऑप्शन नहीं है, मेहरबानी करें। ओ नवाजू गंजे, और तू अभी देखो इस जरदारी दरेड़ को भी साथ ले आया है, देखो, और ये क्यों क्यों काम आपने किए हैं, एक अरसा गुजर गया था 40 साल से, आपको नहीं पता था कि एक वक्त भी हमारे ऊपर किसी वक्त भी उलट आ सकता है, आज आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से जवाल आ गया है और जवाल पजीर हो चुके हो, और मैंने क्या कुछ करना है, और मैं तो एक आपके ऊपर वैसे ही वो मुसल्लत होकर आ गया हूँ, होता तो अल्लाह पाक का हुक्म है, जद्दी पूछी जब इंसान रूज पर जाता है तो जवाल भी पजीर होता है, कुछ देखते हैं आपके लिए कुछ ख्याल करते हैं, मैं सोचता हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? अबे साले। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटे के आल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारा हर नया आने वाला सियासत पर अपनी फनी खाका आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। थैंक्स।